अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चटपटा सा पास्ता। पास्ता बनाने के लिए हम एक पैन में पानी लेंगे, उसमें साथ ही हम ऑयल और नमक डाल देंगे। जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा उसमें साथ ही हम पास्ता डाल देंगे और उसको अच्छी तरह कुक कर लेंगे। जब वो अच्छी तरह कुक हो जाएगा तो उसे हम छान लेंगे। एक पैन में हम ऑयल डालेंगे, साथ ही एक चम्मच नमक डाल देंगे और साथ ही हम उसमें चिकन डाल देंगे। चिकन बोनलेस है और उसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। चिकन को उसमें अच्छी तरह हमने फ्राई करना है, इतना उसको फ्राई करना है कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। चिकन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें कैबेज डाल देंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें हम कैरेट और कैप्सिकम भी डाल देंगे। अब इसके साथ ही हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे। चिल्ली सॉस और विनेगर डाल देंगे। इन तीनों चीजों से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा सा नमक डाल देंगे और साथ ही हम इसमें इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए टोमेटो केचप डालेंगे। क्योंकि हमने पास्ता ज़रा चटपटा सा बनाना है तो ये जो टोमेटो केचप है ये इसके अंदर बहुत अच्छा चटपटा सा टेस्ट दे। बॉयल किया हुआ मैक्रोनी और पास्ता इसमें डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। साथ ही इसमें ब्लैक पेपर ऐड करते हैं। और कुछ ग्रीन चिलीज काट कर वो भी ऊपर डाल दें। हमारा बहुत मज़ेदार मैक्रोनी पास्ता तैयार है। ये बहुत चटपटा सा है, आप खाएं और उसके बाद हमें कमेंट्स में बताएं कि ये कैसा है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।